काशीपुर में आज एक ज्वेलर्स की दुकान से टप्पेबाज द्वारा खुद को पुलिसकर्मी बताकर लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। दरअसल काशीपुर के मोहल्ला किला में सुभाष चंद्र वर्मा पुत्र रमेश चंद्र वर्मा की ज्वेलर्स की दुकान है। पीड़ित सुभाष ने बताया कि आज सुबह 8:15 बजे उसने दुकान खोली। लगभग 8:30 बजे बाइक पर सवार एक 65 वर्षीय व्यक्ति उसी दुकान पर आया और खुद को कोतवाली से आया पुलिसकर्मी बताकर कहा कि उसके वहां शादी है, उसे कुछ ज्वेलर खरीदने हैं। सुभाष ग्राहक बनकर आए व्यक्ति को दुकान पर बैठाकर दूसरी दुकान से सोने की 5 अंगूठी, गले के लॉकेट और बच्चों की कान की बालियां लेकर आया और उसे दिखाई, लेकिन ग्राहक ने पहले पसंद न आने की बात कही और दिखाने को कहा। सुभाष और सोने के ज्वेलर्स लेने गया। दूसरी बार भी उसने ज्वेलर पसंद न आने की बात कही, जिस पर सुभाष फिर से ज्वेलर लेने के लिए गया। अब की बार जब वह लौटा तो व्यक्ति सोने के जेवर लेकर मौके से फरार हो गया। जेवरों की कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी होने के बाद सुभाष सदके में आ गया। आनन फानन में मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। कोतवाली जीबी जोशी तुरंत पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। इस बीच सीसीटीवी फुटेज में दुकान के पास से मोटरसाइकिल पर जाते हुए वह व्यक्ति दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मामले में अभी पीड़ित ज्वेलर्स की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल एंक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।